हूँ आपकी दोस्त अदिति फ्रॉम इंडिया इन जापान। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है जापान में चल रहा है अभी फ्लावर सीजन, तो अभी हमने आपको ऑलरेडी जापान के ट्यूलिप सिखा दिए हैं, पिंक मॉस सिखा दिए हैं, और अब आज हम आपको दिखाने लेके आए हैं नेमोफिला मीन्स ब्लू आइज फ्लावर्स। तो उसके लिए हम आए हैं आज यहाँ पे हिताची सी साइड पार्क, जो मैं अब आपको दिखाऊंगी और उसके बारे में आगे और बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे अभी तक ट्यूलिप वाला वीडियो और पिंक मॉस वाला वीडियो नहीं देखा है, तो उसका जो लिंक है हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो प्लीज़ आप ज़रूर वहाँ जाकर हमारे लिंक को चेकआउट कीजिए और हमारे वीडियो को देखिए। और अभी हम लेके चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ की पार्किंग देखिए कि कितना फुल है। तो अब आपको ये पूरी तरफ, और ऐसी एक पार्किंग नहीं, यहाँ पे अराउंड 3 से 4 पार्किंग है। आपको देखिए कितना भीड़, और हमें यहाँ पे आने में कितना टाइम लगा है, मतलब 3.5 आवर लगा है हमें। मतलब ये हमारे घर से 170 किलोमीटर है। तो हम लोग यहाँ पे आए, सुबह निकल गए थे हम 9 बजे, और अब बज रहे हैं 2। थोड़ा बीच में हमने ब्रेक भी लिया था आधे घंटे का, तो उसके बाद हम 2 बजे यहाँ पे पहुँचे हैं। और अभी एंट्री करते हैं, फिर आगे आपको इस पार्क के बारे में बताती हूँ। तो गाइस ये देखिए, ये है हिताची सी साइड पार्क का टिकट काउंटर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी भीड़ है, ये देखिए। और एंट्रेंस वहाँ से है उस साइड पे, और टिकट आपको यहाँ से बाय करने हैं। तो यहाँ पे आपके टिकट्स के भी ऑप्शन है कि आप इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, और अगर आप ग्रुप में आ रहे हो तो आपको कुछ कम पे करना होगा। तो वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है सारी इंफॉर्मेशन। ये देखिए यहाँ पे है एडल्ट का 700 एंड चिल्ड्रन है जूनियर हाई स्कूल स्टूडेंट एंड अंडर दैट आर 3, और सीनियर सिटीजन का है यहाँ पे 460। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ 2 डेज टिकट करके कुछ है, जैसे यहाँ पे एनुअल पास भी निकलता है। तो ये देखिए यहाँ पे ग्रुप है, अगर 20 लोगों का ग्रुप है तो आपके कम पे करना पड़ता है अगर आप ग्रुप में आ रहे हो, तो उसमें भी आपको फ़ायदा रहता है, तो आप वो वाला टिकट ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो काउंटर है वो स्पेशली ग्रुप वालों का है, तो लोग यहाँ से वो टिकट बाय कर रहे हैं। यहाँ पर आप अकेले अकेले वाला ले सकते हैं, ये सिर्फ आप अपनी फैमिली का उस टाइप से। और ये है यहाँ का इंफॉर्मेशन सेंटर। तो गाइस ये देखिए हमने अपने टिकट ले लिए हैं, ये पर अडल्ट मतलब पर पर्सन 700 येन का हमारा टिकट आया है। बच्चों का फ्री है? हाँ, बच्चों का फ्री है। तो बच्चों के हमारे टिकट फ्री हैं, और अब हम एंट्री लेने जा रहे हैं। तो देखिए उसके लिए भी लॉन्ग क्यू है। तो गाइस ये देखिए हम आ चुके हैं अंदर, और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कितना सारा क्राउड, और ये बहुत ही सुंदर जगह है। पार्क है ये, वन ऑफ द मोस्ट सीनिक स्पॉट है इनकी बाराकी प्रीफेक्चर। तो यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर सीजनल फ्लावर्स लगते हैं, तो जैसे आपको हर सीजन में अलग अलग फ्लावर्स मिलेंगे। अभी जैसे स्प्रिंग है तो यहाँ पे अभी आपको ये ब्लू आइज मतलब नेमोफिला फ्लावर्स दिखेंगे, तो ये उससे पूरा भरा रहेगा। और थोड़े थोड़े कहीं पे ट्यूलिप भी होंगे, लिलीज भी होंगे, तो वो लेवेंडर्स भी होंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट थोड़े थोड़े फ्लावर मिलेंगे, बट मेनली आपको यहाँ पे नेमोफिला फ्लावर्स मिलेंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ है, ये देखिए मैं दिखाती हूँ। ये होते हैं नेमोफिला फ्लावर्स, अभी एक्चुअल में मैं आपको दिखाऊँगी, बट अभी मैं आपको सिर्फ ये पेपर में दिखा रही हूँ। और ये वाले ट्यूलिप्स भी थोड़े बहुत यहाँ पे मिलेंगे, और ये है नार्सिसस भी हैं यहाँ पे, ये देखिए। तो यहाँ पे आपको अभी मेनली 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स मिलने वाले हैं। कैसे देखिए कितनी सुंदर लेक यहाँ पर, और पूरी ग्रीनरी के साथ यहाँ पे इन्होंने इतना अच्छा सा एक पाथ भी बना रखा है, आपको दिखाती हूँ वहाँ पर। यहाँ से आप देखिए इस पूरे लेक का व्यू। ये अयांश खा रहा है आइसक्रीम चटोरा।
यहाँ पे देखिए आप आराम से यहाँ सस्ता रहे हैं। कैसे यहाँ पे देखिए आपको जगह जगह पे ये फूड वैंस मिलेंगी, तो जो लोग आराम से नॉन वेज वगैरह खाते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप कुछ भी मत लेके आओ। हम लोगों को तो सुबह उठ के खाना बनाना पड़ता है और फिर पैक करके निकलना पड़ता है, तो एक घंटा हमारा ऑलरेडी इसमें चला जाता है। तो बस जो खाते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि बस फटाफट आप निकल जाओ। तो हम लोग अब जा रहे हैं नेमोफिला देखने। तो गाइस फाइनली हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पर है नेमोफिला फ्लास। अब आपको यहां से दिख रहा होगा ऊपर क्राउड, तो ये जो क्राउड है ना, जो यहां पे जहां पे ये ब्लू आइस फ्लास है, ये एक हिल है मिहाराशी हिल, जो फुली कवर्ड है विद 4.5 मिलियन नेमोफिला से। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब ये कितने बड़े एरिया में फैला हुआ है। और ये देखिए, और ये पता है पूरा एक ऐसा लगता है, दूर से आप देखोगे ना तो आपको ये फ्लावर्स नहीं दिखेंगे, ये आपको दिखेगा जैसे सी जैसा दिखेगा बिल्कुल, कि ना हम सी के आसपास हम वॉक कर रहे हैं। तो ये देखिए दूर से आपको शायद यही फीलिंग आ रही होगी, तो अभी मैं आपको पास से दिखाऊंगी तब आपको एक्चुअल में ये फ्लावर्स दिखेंगे, पानी नहीं दिखेगा। और गाइस जैसा कि मैंने आपको बोला था यहाँ पे आपको और भी फ्लावर्स दिखने को मिलेंगे। तो ये हैं नार्सिसस फ्लावर्स, ये देखिए। तो ये हैं हिल से नीचे की साइड, अभी हम हिल पे ऊपर जाएंगे जब हम आपको दिखाएंगे नेमोफिला फ्लावर्स। ये देखिए ऊपर का व्यू, आप देखिए हम इस पहाड़ी पर चढ़ाई करने वाले हैं, ब्लू ब्लू फ्लावर्स का मतलब आनंद लेने वाले हैं और एंजॉय करने वाले हैं। देखिए आप, ये पहाड़ी पे जाने में ही हमें पता नहीं कितना टाइम लगेगा इस पे चढ़ाई करने में। यहाँ पे देखिए हिल पे चढ़ना भी एक बहुत बड़ा अपने आप में ही टास्क है, और वो भी इतने क्राउड में कि आपको स्पेस मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं आपको दिखाती हूँ ये पास से ये फ्लावर्स, ये देखिए इन्हें बोलते हैं आइस फ्लावर्स और नेमोफिला, राइट एंड और जो हम नाम चढ़ने वाले हैं इसका नाम है मिहाराशी हिल। यस, मिहाराशी हिल। देखिए हम अभी आधा भी नहीं चढ़े हैं, यहाँ से आप व्यू देखिए पूरा कितना ऑसम लग रहा है। अब ऊपर से और यस, और ये देखिए आपको वहाँ पे एक ट्रेन दिख रही होगी ट्रैम जैसी, तो वो है सी साइड ट्रेन। और ये आपको जैसे कि मैंने बताया कि ये पार्क बहुत बड़ा है, तो आप मतलब पैदल पैदल कवर करने जाओगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, तो आप इस ट्रेन को भी ले सकते हो और उससे आप इस पार्क को कवर कर सकते हो। तो ये 10 जो मोस्ट मतलब सीनिक स्पॉट है ना इस पार्क में, ये वहाँ पर स्टॉप करती है, तो आप आराम से वहाँ पे चढ़कर और उतरकर फ़ोटो वोटो ले सकते हो। ऐसा नहीं कि आप उन स्पॉट्स पे फ़ोटो नहीं ले पाओगे, आप उन्हें मिस कर दोगे, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और आपको यहाँ पर देखिए बाइसिकल्स भी दिख रही होंगी,
तो यहाँ पे आप अपनी साइकिल भी इंजॉय कर सकते हैं, साइकिलिंग भी यहाँ पे लोग मोस्टली ये करते हैं। तो आप अगर आपको ट्रेन नहीं लेनी है, पैदल नहीं चलना है, तो आप साइकिलिंग से इस पार्क को इंजॉय कर सकते हैं। और ये मतलब बहुत ही चीप भी है, 400 येन में आपको 3 आवर्स के लिए साइकिल रेंट पे मिलती है, आप अपनी साइकिल भी ला सकते हो। और वहाँ पे देखिए इन्होंने कितना अच्छा स्पॉट बना रखा है रेस्ट करने के लिए, तो मतलब बहुत ही ऑसम लग रहा है। और ये देखिए नेमोफिला, कैसा लग रहा है आप लोगों को? तो गाइस हम उस हिल पे टॉप पे आ चुके हैं, तो अब आपको यहाँ पे ऐसे दिख रहा होगा, ये नीचे देखिए, तो ये टॉप है। और यहाँ से मैं आपको चारों तरफ दिखाती हूँ ग्रीनरी ग्रीनरी। अब हम यहाँ से धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू करेंगे। गाइस ऐसे लग चुके हैं कि माउंट फूजी को क्लाइम कर चुके हैं। माउंट फूजी को क्लाइम करना ईजी नहीं है, ये देखिए गाइस। और अब यहाँ से ये नीचे उतरने के लिए लाइन है, तो जब हम नीचे उतरेंगे तो भी वो पूरे आपको ब्लू ये जो फ्लावर्स हैं वो आपको दिखेंगे। तो गाइस अब हम उतर रहे हैं यहाँ से नीचे, ये देखिए। अब नीचे उतरते हुए हमें ऐसे ही पूरे ये ब्लू आइस फ्लावर्स दिखेंगे। सो गाइस फाइनली हम विहाराशी हिल से नीचे आ चुके हैं, ये देखिए आप। अभी भी लोग ऊपर हैं जो धीरे धीरे आ रहे हैं और चढ़ रहे हैं ऊपर। हम लोग आ चुके हैं नीचे, और अब हम लोग जाएंगे कहाँ पे जाएंगे? अब हम लोग जाएंगे ट्यूलिप्स देखने। ट्यूलिप्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं, पर यहाँ पर भी हैं इस सी साइड पार्क में, तो सोचा थोड़ा सा वो भी इंजॉय कर लेते हैं अगर यहाँ पे अच्छे ट्यूलिप्स हैं। और आप देखिए पीछे कितना प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है पूरा पानी है वहाँ पे, और पानी के साइड में मतलब लोग चल रहे हैं, है ना यांश? देखो कैमरे से लग रहा है कि स्नो भरी हुई है। हाँ स्नो भरी हुई है कैमरे में। हाँ थोड़ा मतलब कभी पानी जैसा लग रहा है, कभी अभी ऐसा लग रहा है कि स्नो है। हाँ। तो बहुत ही अच्छा सा लग रहा है गाइस। यहाँ से देखिए जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ से इस हिल का व्यू देखिए, और किस तरीके से इन्होंने पहाड़ी को काट काट कर मतलब कितने अच्छे से रास्ते बनाया हुआ है कि आप आराम से चढ़े और उतरे और व्यू फ्लावर्स का मतलब को इंजॉय करें, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मौसम भी मतलब यहाँ पे बहुत ठंडा हो गया है, हम लोग तो सोच के आए थे कि अच्छी खासी समर होगी। तो हमारा ये तो कवर हो गया फाइनली टाइम से, क्योंकि ये पार्क जो होता है वो 5:30 पे, 5 o'clock ये बंद हो जाता है, तो हमें टाइम से कवर करना था, हम पहुँचे ही 2 बजे थे यहाँ पे। तो होपफुली हमारा कवर हो गया है और हम जाते हैं ट्यूलिप्स देखने। तो गाइस हम आ चुके हैं ट्यूलिप गार्डन, और आप यहाँ पे देखिए ये खिल रहे हैं ट्यूलिप, कुछ तो अभी खिले ही नहीं है, ये वाले तो अभी तक खिले ही नहीं है। वहाँ पे आपको दिखेंगे ये देखिए, मतलब जो आए हुए हैं वो सब ऐसे मुरझा से गए हैं ये देखिए, तो शायद यहाँ पे भी ओवर हो गए हैं ट्यूलिप्स। यहाँ पे ये देखिए लेवेंडर शेड के और येलो शेड के ट्यूलिप्स। इतना मज़ा नहीं आया यहाँ पे ट्यूलिप्स देखने में,
क्योंकि ये सब सारे के सारे मुरझा चुके हैं। गाइस मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सारे टूरिस्ट का क्या हाल हो गया, क्योंकि कल रात यहाँ पे बहुत बारिश हुई थी। तो ये देखिए कैसे ये टूट गए हैं। ये वाले हैं अभी जो ब्लू होना रह रही हैं। गाइस यहाँ से देखिए इसका कितना सुंदर सा व्यू। तो गाइस फाइनली हमारा हो गया है हिताची सी साइड पार्क और हमने खूब इंजॉय किया है यहाँ पर। अब आप यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कितना क्राउड जाने वाले लोगों का। ये देखिए आप, ये जो आप लाइंस देख रहे हैं और यहाँ पे जो क्राउड देख रहे हैं ना, ये सब लोग बस का वेट कर रहे हैं। तो जितने लोग कार से आते हैं उससे मतलब उतने ही आप लोग ऑलमोस्ट मान लो कि वो मतलब बस से भी आते हैं। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे कितना क्राउड है। और अभी देखिए जैसे ही 5 बजे हैं सब लोग बाहर निकल गए हैं और यहाँ पे बस के लिए लाइनें लगना शुरू हो गई हैं और हम लोग जा रहे हैं हमारी पार्किंग की तरफ। तो बाय बाय हिताची सी साइड पार्क। सो गाइस इफ यू एंजॉय दिस वीडियो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो यू डोंट मिस एनी नोटिफिकेशंस फॉर आवर न्यू वीडियोस। यस फॉर न्यू यू गाइस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।